नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। हरियाणा में दवा घोटाले के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला की ओर से आरोप लगाए थे और अब आरोप लगाए जाने के बाद हालांकि मंत्री जी की ओर से जवाब दिए गए थे, अब ये मामला लीगल नोटिस तक आ पहुंचा है। तो पहले ही रिपोर्ट देख लीजिए और जानिए कि मामले की शुरुआत कैसे और कहां से हुई और फिलहाल मामला कहां पे पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय का दुष्यंत चौटाला के आरोपों के बाद एक तरफ जांच तो शुरू हुई, सरकार और मंत्री जी की ओर से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला को धांधली को उजागर करने के लिए शुक्रिया कहा गया और मामले की जाँच का दावा किया गया और जाँच शुरू भी कर दी गयी। लेकिन जांच के शुरू होने के साथ बयानबाजी भी शुरू हो गई। इनेलो के साथ साथ कांग्रेस ने भी ये कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों में दम नजर नहीं आता। आरोप लगे तो आरोप लगने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे आरोपों पर एक एक करके जवाब भी दिया। मंत्री जी ने कहा कि जितना बड़ा आंकड़ा बताया गया है, इतनी बड़ी तो खरीद ही नहीं हुई है और न ही कोई घोटाला हुआ है। इनेलो अति उत्साह में आरोप लगा रही है। विज ने इस मामले पर सफाई भी दी थी और ये भी कहा था कि आरटीआई लगाने वाले मुझे जानकारी मुहैया करा दे। मामला तो पता करने पर ही उसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर कोई मामला है तो मैं पूरी सख्त उसकी कार्रवाई करवाऊंगा और सख्त एक्शन लेंगे हम जो भी ऐसे लोग हैं, और अगर वो हमें इसकी जानकारी मुहैया कराएंगे तो उनका धन्यवाद होगा, नहीं तो हम अपने सोर्सेज से सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि ऐसे लोग मिलें ताकि जो गलत काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। मंत्री जी के जवाबों के बाद भी इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला के आरोप बने रहे। उनका साफ ये कहना रहा कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, तभी मामला साफ हो सकेगा। चौटाला ने हरियाणा के 5 जिलों में दवाइयों जांच उपकरण की खरीद में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर करने का दावा ठोका। साथ ही ये भी कहा कि अगर 22 जिलों की जाँच हो तो ये घोटाला 300 करोड़ का घोटाला निकलेगा। मेरा ये अनुमान है, जो डाटा हमारे पास है अलग 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 डिस्ट्रिक्ट का, ये 125 करोड़ से ऊपर का मामला है जिसके अंदर पूरे तथ्य हमारे पास अभी 5 जिलों के हैं। मगर मेरा ये अनुमान है अगर 22 जिलों का प्रॉपर ऑडिट करवाया जाए तो ये पूरा मामला कम से कम 300 करोड़ से ऊपर का है। हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से पिछले 4 वर्षों की हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी परचेजेस की ऑडिट करवाए CAG से, और साथ के साथ जो तथ्य मैंने आज आपके सामने रखे हैं इन तथ्यों की अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं कॉपी उनको दूंगा, इसकी CBI जांच कराए। चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ये कहे जाने के बाद कि दुष्यंत चौटाला को नशा मुक्ति केंद्र चले जाना चाहिए, नोटिस भेजे जाने का फैसला लिया जाता है, लेकिन इस नोटिस का जवाब भी मंत्री जी नोटिस के मूड में देने में नजर आए हैं कि नोटिस का जवाब नोटिस से दिया जाएगा, विभाग को डिफेम किया जा रहा है जिसके लिए नोटिस वो भेजे गए। दवा घोटाला हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कितना बड़ा हुआ, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के एक बयान से मामला उस वक्त गर्मा गया जब उन्होंने कहा कि दुष्यंत जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाने की जरूरत है। ये पहले वो कहते थे कि जो लोकल परचेज है उसमें 300 करोड़ का घोटाला हुआ और हमने बता दिया कि टोटल जो परचेज हुई है वो ही केवल 40 करोड़ की हुई है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, NHM में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। NHM का टोटल बजट 450 करोड़ का होता है और उसमें से भी 80% जो है वो जो वेजेस में जाता है, तनख्वाहों में पैसा उसका जाता है, और NHM एज सच अपने स्तर पर कोई परचेज नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर नशे का काफ़ी प्रभाव है। मुझे लगता है कि इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया, इनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए।
मुझे लगता है कि इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया, इनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए। अनिल विज के इस बयान के बाद दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर जवाब दिया और लिखा कि ना तो हम बंदर की तरह टंकी पे चढ़ते, ना सड़क छाप की तरह महिला अफसर से लड़ते। रही बात नशे की, हाँ नशा मुझे है, संसद में दहाड़ने का, घोटाले उजागर करने का नशा मुझे है, बेरोजगारी मिटाने का, गरीब को न्याय दिलाने का, हकों की लड़ाई लड़ने का, सच्ची बात पढ़ने का। तो विज कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया और लिखा, आपने लिखा आपको घोटाले उठाने का नशा है, परंतु आपने अपने परिवार के घोटाले कभी नहीं उठाए। आपको पता है आपके परिवार के कितने लोग जेल के अंदर हैं और कितने जाने वाले हैं। और नशा किसी भी चीज का हो, नशा तो नशा ही होता है, ये भी हमेशा याद रखना। जुबानी जंग यही नहीं थमी, नशा मुक्ति केंद्र वाली बात पर दुष्यंत चौटाला ने लीगल एक्शन लेने की बात कही। उनकी ओर से दिग्विजय चौटाला क्या बोले हैं वो सुन लीजिए। नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा ना जी, क्या करें। अनिल विज ने ये कह दिया, जिस इलाके से ये आते हैं वो नशे में लिप्त हैं और ये खुद भी नशेड़ी हैं। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक जीवन में जिस आदमी की छवि इतनी साफ और बेदाग हो, उसको इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर करके नशेड़ी कह देना, वो उसकी इमेज पर एक दाग पैदा करता है, उसकी इमेज को कलंकित करता है। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अनिल विज चाहे वो मंत्री हो ना हो या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, हम उनके खिलाफ अदालत में जा करके इस पे न्याय मांगें। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आज मांग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मांगेंगे तो कल को जो हाल केजरीवाल का हुआ वही। बात नोटिस की थी, जवाब में भी माफ़ी नहीं नोटिस मिलेगा, ये अनिल विज की ओर से साफ कर दिया गया। कहा गया कि विभाग को डिफेम करने के लिए विभाग दुष्यंत चौटाला को नोटिस भेजेगा। दुष्यंत चौटाला मुझको लीगल नोटिस क्या भेजेगा, नोटिस तो हम उसको भेज रहे हैं और हमने अपने वकील को कह दिया है कि जो उसने झूठे आरोप लगाए हैं कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि हमारी जो टोटल परचेज है, लोकल परचेज है टोटल, वो 40 करोड़ की है, 40 करोड़ में 300 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम उसको नोटिस दे रहे हैं। जाहिर है मामला गंभीर है, अगर खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ तो गहनता से जांच हो, ये भी जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल मामला व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ साथ इस बात पर घूमता नजर आ रहा है कि ये घोटाला हुआ भी तो बड़ा नहीं छोटा हुआ। लेकिन सरकार और मंत्री जी इस बात का भी तो जवाब दें कि धांधली तो धांधली ही है, फिर 300 रुपए की हो या 300 करोड़ रुपए की, जवाबदेही तो विभाग के मुखिया की ही होगी। खैर, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि लीगल नोटिस का ये सियासी चक्र कब और कहां तक घूमता है। चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। तो मामला कहां से कैसे शुरू होता है और किस तरह से आरटीआई का हवाला दिया जाता है और साफ कहा जाता है कि पूरे ही हरियाणा से अगर जानकारी मिल जाती है कि कैसे दवा खरीदी गई, कितने स्वास्थ्य विभाग में उपकरण खरीदे गए, तो करीब 300 करोड़ का ये घोटाला होगा। लेकिन मंत्री जी को इस आंकड़े से आपत्ति है कि धांधली अगर हुई है तो इतनी बड़ी नहीं हुई, घोटाला अगर हुआ भी है तो इतना बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, बात लीगल नोटिस तक पहुंच जाती है, अब मामले में क्या हो सकता है, कितनी राजनीति है और आरोपों में कितना दम है, साथ ही मामले में आगे क्या कुछ होगा, उसको लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। रमणिक मान साहब हमारे साथ हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, साथ ही केवल ढिंगरा साहब हमारे साथ हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र ढोल साहब हैं, नरेश कौशल जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अनिल आर्य जी हैं और डॉक्टर श्याम सखा श्याम हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे मान साहब आपसे, जब आरोप लगाए गए हैं कि करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ तो पूरी जांच करवा ली जाए, सीबीआई जांच की अगर बात कही जाती है, आप लोगों को ठीक लगता है तो वो करवा ली जाए, लेकिन मंत्री जी की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि सांसद नशा मुक्ति केंद्र चले जाएं, उनको उपचार की जरूरत है, कितना ठीक है? देखिए ज्योति, क्या है कि पहले तो सारी चीज समझिए आप, क्या है कि स्पॉटलाइट के नीचे रहने के लिए हर एक तरीके का प्रयास हो रहा है जी। अब ये जहां तक इसका सवाल है, ये आरटीआई का रिप्लाई जो उनको मिला है दुष्यंत जी को, अब ये 300 करोड़ के आंकड़े पे स्वयं पहुंच गए, तथ्यों के से बहुत दूर चले गए,
इनके पास जो सरकार के द्वारा दी गई जानकारी, विभाग के द्वारा दी गई जानकारी आरटीआई के तहत जो है उसके अंदर भी ऐसा कोई विवरण नहीं है कि 300 करोड़ जा सकता है। तो ये अपने अनुमान जोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं। और जहां तक सवाल है माने दुष्यंत जी का, तो दुष्यंत जी तो निरंतर देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या कहीं किसी ऐसे स्कूल से पढ़े, विदेश से। स्कूलों को ठीक नहीं मानते? नहीं नहीं, उनके समय देखिए ना, जिस समय में उनकी सत्ता थी वो कहां पढ़ के आए हैं, वही उनके जब दादा श्री स्वयं मुख्यमंत्री थे तब उनकी पढ़ाई कहां हुई, आप देखिए ना उस चीज को। और जिप सुकत उनके स्वयं के दादाजी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उस वक्त की बात करूंगा मैं इसके बाद, बहरहाल जिस समय जिस विषय पे हम है उस पर बात करते हैं। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लंदन से और यूएसए से पढ़ाई करके आए, वो अपने आंकलन लगा के बात करे तो कोई राजनीति नजर आती है। आपके पास जितनी आरटीआई के माध्यम से जानकारी आई है उसके अनुसार अगर आप बात करें तो आप इस बात को कभी कह ही नहीं सकते 300 या 350 करोड़ की। देखिए देखिए मंत्री जी ये कह देंगे कि नशा मुक्ति केंद्र चले जाएं कि जिस इलाके से सांसद आती है वो नशे के प्रभाव में है। एक मिनट, मैं देखिए मेरी बात सुनिए ज्योति जी, देखिए मेरे मुंह में शब्दों को मत दखलिए, मैं आपसे जितनी बात कर रहा हूँ नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ क्या ये ठीक है, मैंने नहीं, नहीं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ ना जी, मैं आपके अनुसार उत्तर नहीं दूंगा, अपने देखिए बात क्या है कि उन्होंने किस मनोस्थिति में यह बात कही, क्या सोच के कही, पीछे राजनीति थी या किस स्थिति में थे, इस बात की मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर अनिल विज जी ने उनके संदर्भ में कुछ कहा, हो सकता है उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो, तो उसका उत्तर वो स्वयं देंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी यदि उन्होंने करी है तो उसका सरकार से या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर उनसे पूछा जाए तो अनिल विज जी उसका उत्तर देंगे, आपने नोटिस दिया आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इसके ऊपर टीवी चर्चा के अंदर मैं क्या कह दूं कि ये सही है कि गलत है, उन्होंने कहा है, उनके पास कोई जानकारी है सिद्ध करने की होगी क्या? आप समझो ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखो देखो ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ केवल कि यदि उन्होंने, देखिए उनके पास आरटीआई तो उन्होंने 350 करोड़ के 300 करोड़ के आरोप लगा दिए, इनके पास कोई जानकारी होगी उन्होंने कुछ कह दिया, अब उसका क्या अर्थ है, कैसे कहा, किस आधार पर कहा, उसका उत्तर मिल जाएगा इनको, उसमें क्या समस्या है? ढोल साहब, ये व्यक्तिगत बातें हैं जो उनकी ओर से कही गई कि नशा मुक्ति केंद्र चले जाए जिस इलाके से सांसद आते हैं, इसमें हालांकि हरियाणा बीजेपी साथ नहीं है मंत्री जी के। देखिए साथ होना ना होना तो मायने नहीं रखता, बेहद बेहूदी और घटिया टिप्पणी जो की है इन्होंने मंत्री जी ने, वो केवल और केवल जो दो कारणों से की है। पहला ये कि प्रमुख मामले को डेविएट करके अपने लोगों को बचा ले, क्योंकि हमने वहाँ पर जो है फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार का बाकायदा इनका अनिल विज जी का साइन किया हुआ जो है चिट्ठी दुष्यंत जी ने ट्विटर पे बाद में पोस्ट भी की थी, ये दिखाने के लिए कि एक फर्जी आदमी को किस प्रकार से अनिल विज जी ने खुद अपने अपने हाथों से नियुक्ति दी है। तो अपने लोगों को बचाने के लिए, जैसे कंसल है उनको बचाने के लिए, इस मामले को डेविएट करके 100 रुपये 300 रुपये 300 करोड़ की चोरी के ऊपर लेकर के आगे। मैं अनिल विज जी को भी बता दूँ, फॉर्जरी अगर एक पेज की है तो भी 10 साल की सजा है, फॉर्जरी 10,000 पेज की है तो भी 10 साल की सजा है, अगर घोटाला ₹1 का है तो भी 7 साल की सजा है, और घोटाला 1 करोड़ का है तो भी 7 साल की सजा है। सजा बराबर, सब चीजें बराबर, बजाय इसके कि इस मामले में जो है प्रमुख बात के ऊपर उत्तर देने के कि ये घोटाला हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कौन दोषी थे, अगर दोषी थे ना भी हो तो FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुई। मेरे को इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि जब हमने RTI के माध्यम से इनको सबूत यहाँ पर बता दिए कि ये फर्जी कंपनी है, फर्जी फर्म है, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं हैरान हूँ अब तक हरियाणा सरकार ने FIR रजिस्टर नहीं की, लेकिन सांसद के ऊपर, हरियाणा के एक बेहतरीन सांसद के ऊपर, एक बेहतरीन इंसान के ऊपर इस प्रकार की निजी टिप्पणी, बेहुदा टिप्पणी, जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक डिफेंड ही करती आ रही है, ये इनको इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, दिक्कत क्या है? अगर गलत बोला है तो क्रिटिसाइज कीजिए। आपने मैंने क्या कहा सुना? गलत किया है तो क्रिटिसाइज कीजिए ना। मैंने क्या कहा आपने सुना? आप इस बात से अरे आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया है या नहीं, आपने आरोप लगाया, आप क्रिटिसाइज कीजिए ना दुष्यंत चौटाला को, उसने आरोप क्यों लगाया, सहमत है या नहीं, आप मुझे ये बताओ। और दूसरी चीज, मैं उत्तर देता हूं, अपनी प्रेस इस बात का उत्तर सुनिए, सरकार की प्रेस ब्रीफ इस बात का उत्तर सुनिए, दिखा रहे रमणीक ज्योति जी, ज्योति जी इस बात का उत्तर सुनिए, झूठी प्रेस ब्रीफ को रमणीक मान जी आरटीआई बता रहे हैं, आरटीआई चाहिए तो 5,000 पेज की मेरे घर में पड़ी हुई है, सरकार की झूठी टिप्पणी को आप आरटीआई मत दिखाइए, ये आपने इसके अंदर झूठ को बोल करके झूठ को बचा नहीं सकते, उत्तर दे रहा हूँ, आप बेहूदा बोल करके अपराध को नहीं बचा सकते जी, आपका पता क्या, आप बताइए सीएजी के प्रयोग में क्यों है ये फर्जी वाला, बताइए। एक झूठ को 100 बार बोल बोल के हैमर इन करके आप सच साबित, देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक आपने ये आरोप लगाए, आप क्या दुष्यंत चौटाला से कहेंगे कि 350 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा नहीं है, इसके लिए आप माफी मांगे?
क्यों आपके सरकार आप जांच करें, आपके पास कोई तथ्य है, आप होते कौन हैं, आप की पार्टी होती कौन है, निजी आरोप लगाने वाली पहली बात का उत्तर दें, अरे निजी आरोप सुनो, ये देखो, ये आपके बताओ, आप सुनो, अब नहीं, क्या बताएंगे, भाजपा की सरकार के बारे में बोलिए, पहले तो ये बताओ, आप ये बताएंगे, मैं बताता हूँ, भाजपा की सरकार के बारे में बोलिए, इतने अति उत्तेजित ना होइए, बात सुनिए ध्यान से, जी बताइए, आपके समय में जो आपकी सरकार थी वो या नहीं थी ये बताइए, चलो अब आपको दूसरी बात बताइए, आपके मंत्री थे, आपकी सरकार का समर्थन, हमने गलती की, क्यों नहीं लिया लड़ने के, अच्छा चलो, अरे हमने गलती की, आपने समर्थन क्यों नहीं वापस लिया, दूसरी बात, चलो दूसरी बात, कौन सी शुचिता की बात करते हैं, लिया आपसे समर्थन भी वापस लिया, ऐसे भी वक्त आए, तब लिया आपने समर्थन, ऐसा भी समय है बताऊंगा, अरे बताइए आपका समर्थन वापस लिया, सरकार चलती सरकार, अरे डोल साहब मेरी बात चलती सरकार समर्थन का वापस, अरे डोल साहब मेरी बात सुन लो भाई, एक बात बताओ, क्या ये आय से अधिक संपत्ति के मामले की जैसी कोई आपकी सरकार थी या नहीं थी, अरे क्या हो गया आपको, आय से इतनी पीछे के भाई की पीड़ा हुई, के अंदर जब पीड़ा होती तब नहीं बोलेंगे, आपकी पीड़ा हुई, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या पीड़ा हुई, बात क्या विषय पर, मान साहब आप इस मामले की चर्चा कर रहे हो, पहले चले जाएंगे क्या, आप इस मामले की चर्चा के ऊपर करिए, आप सुनेंगे, आप मुझे बताओ कि, अरे आप अपने इस मामले की चर्चा के ऊपर करिए, 30 करोड़ मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार लक्ष्मण का भी बता दूंगा, 30 करोड़, कैसी बात कर रहे हो गया, 30 करोड़ 400 करोड़ कैसे हो बात कर रहे हैं आप, इस बात की जांच करवा लीजिएगा, एक सरकार का पक्ष है, एक इनेलो का पक्ष है, मान साहब जनता को क्लियर कर दीजिए, जनता को क्लियर कर दीजिए, जनता को क्लियर कर दीजिए, कितना है कितना नहीं, जांच से क्लियर होगा, आपके पास 300 करोड़ का क्या साफ हो पाएगा, जांच से साफ होगा, आधार के ऊपर, अरे 400 करोड़ का क्या तथ्य है आपके पास, आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की, क्या तथ्य है आपके पास, आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया है, पहले बताइए आपके पास तथ्य क्या है, आप मैं यहाँ पर 1800 करोड़ का आपका एनएचएम का बजट भी दिखा दूंगा, आप ये भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, आप दिखा दो ना, समस्या क्या है, आप ये बताइए आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की, गलत बात, देखो मैं वो भी दिखा दूंगा रमनीक जी, आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस की टिप्पणी आने दी वो भी दिखा दूंगा, चलिए जो आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, रमनीक सुन लेंगे एक बार के लिए, देखिए कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाए, एक पाए बहराए जग एक पाए, है जी, एक पाए बहराए जग एक पाए बहराए, मुझे नहीं पता भाई आप क्या खा के क्या बोल रहे हो, आपका काम क्या है, आपके एक अधिवक्ताओं की ब्रिगेड है आपके पास, आप सरकार के लोग हैं, आप उनको रुकवाने का काम करते हो, आपके पास है क्या और, सांसद को आपके पास है क्या और करने के लिए, आप मेरे को भी लीगल नोटिस दे दो, क्या समस्या है, भेजो ना, बात क्या है, आप लीगल नोटिस का क्या धमकी दे रहे हो, मेरे को क्या धमकी दे रहे हो, भेजो लीगल नोटिस, कुछ भी कहेंगे, भेजो लीगल नोटिस, आप बताइए, आप बोलो ना, बताओ 30 करोड़ का 400 करोड़ कैसा हो गया, आप ये क्या खाने बोल गए, आप बताता हूँ, सुनिए अब मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, एक समय था जब आपका राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और हरियाणा के अंदर प्रतिनिधित्व होता था, अब हरियाणा के कुछ जिलों में सीमित हो गए हैं, 1999 के बाद, अरे मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को आपकी चिंता बिल्कुल नहीं है, मेरे को आपकी बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, बीजेपी का भी एक समय था, आप लोग कभी बोलते जा रहे हैं, आप लोग सीमित रह रहे हैं, स्पॉटलाइट के नीचे रहने के लिए कहां आपके दुष्यंत का इलाज, कहां विदेशों की सैर कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपके, आपके धनगर साहब स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को गोली चला भागे, धनगर साहब फोटो देख सकते हैं, क्या हो गया बच्चे पर, भाई वो तो आधिकारिक रूप से जा रहे हैं, सेल्फी कर रहे हैं, आप बात सुनिए, मान साहब आप भी सुनेंगे, मान साहब आप भी सुनेंगे, देखिए पर बात की, देखिए नियुक्त करवाया जाना समाधान नहीं हो सकता, ठगियां कितनी मेरी अपील है आप लोगों से, एक एक करके बोल रहे हैं, आप अपनी ठगियां यहां पर गिनवाऊं, मान साहब गिनवाओ, क्या दिक्कत है, आप सदन में केवल डिंगरा जी कांग्रेस का हक खड़ी है, पूरे एपिसोड में रमणीक मान साहब नहीं, ऐसे ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी, मान साहब ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, आप इग्नोर कर रहे हो,
अरे छोड़ो ना जी, आप एक मिनट सुनिए, आपको म्यूट करवाना पड़ेगा, आप सुनिए, आपको म्यूट करवाना पड़ेगा, आप सुनिए। देखिए ये जो मामला है इसको कैग ने, देखिए ये मामला जो है इसको कैग ने बताया कि ये यहाँ पे इसके मामले में अनियमितता हो रही है। मान साहब को ये चाहिए, मान साहब को ये चाहिए, रिपोर्ट लेके आए हो? अरे सुन तो लीजिए आप, अरे सुन तो लीजिए, कैग रिपोर्ट ने, कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं या नहीं उठाए? जो रखा है इस मामले में, कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए या नहीं? क्या कैग रिपोर्ट आप बताइए है या नहीं? आप प्रवक्ता हो बीजेपी के, मैं आपकी जो एक मिनट आप फिर वही बात कर रहे हैं, मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ, अरे दिखाइए श्रीमान जी आप बात करते हैं प्रचार, अरे आप सुनिए तो सही, मान साहब सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए, इसके अंदर चाहे 40 करोड़ की बात है चाहे 300 करोड़ की बात है, अरे सुन तो लीजिए, रमणीक मान साहब सुन लीजिए, नहीं साहब साहब नहीं बोलेंगे आप, रमणीक मान साहब अगर आपको नहीं बोलेंगे, आपसे जवाब लेंगे तो बोल लीजिए, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से उसकी जांच करवा ले, अगर बीजेपी, अगर बीजेपी को विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो बीजेपी उसको दबाने को क्यों लग जाती है? आप ये बताएं, आप दबाने को क्यों लग रहे हैं? आप ये बताइए, आपकी सरकार है, लोगों ने चुन के भेजा, आपकी पकौती नहीं है सरकार, आप ये बताइए, जब आपकी नहीं है, आपकी नहीं है पकौती, हम थे तो हमने कहा आपको वोट दी है, आपको तब चुना है, आप अपनी बात कीजिए, अपना मुद्दा रखिए, आपको ये चाहिए, आप सरकार में हो, आप स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाए अपनी, आप जांच कराने से क्यों भागते हैं? दूसरी बात, आपकी आपकी मैच फिक्सिंग जो है वो तो सब समझ आ रही है, मैच फिक्सिंग मत कीजिए आप अपनी जो है बात क्लैरिटी करें, आप अपने बात का मुद्दा रखें, आप किसी तरह से मैच फिक्सिंग करके ये थोड़ी डिबेट अपने आप में हथिया लोगे, आप बात करो कि ये मामला किस बात से है, जिस बात से मामला है उस मुद्दे पे हो, मैंने उनसे जवाब मांगा है, आप जवाब दीजिएगा, उस वक्त जवाब से सवाल किया जाए, ढिंगरा सर बात पूरी कीजिए। देखिए मैं इनसे यही बात करना चाह रहा था कि ये 40 करोड़ का मामला है चाहे 300 करोड़ का मामला है, मामला चाहे कितने का भी हो, तो जांच हो तो रही है, उसकी जांच कहां करी है? स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई है, सीबीआई से, इंडिपेंडेंट आप जुडिशियल से कराए, जांच करवाने की बात कहां करी है? आप बताए कहां आपने जांच की बात रखी है? पब्लिकली जो मुद्दा आता है उसको आप दबाने में लग जाते हैं, चाहे एचएसएस का हो चाहे ये हो, कोई मुद्दा आ जाए आप उनको दबाने में लग जाती है बीजेपी। जो आरोप लगाए गए, सुनिए, उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष है कि 300 करोड़ का ये घोटाला नहीं हो सकता, हमने तो बजट ही 40 करोड़ का जारी किया है, उसके बाद ये कहा जाना कि नशा मुक्ति केंद्र चले जाएं सांसद, ये कितना ठीक है? देखिए ज्योति जी, ये तो राजनीति में जो है ना निमंता का सबसे निमंतम सतर मैं मानता हूँ कि एक मंत्री जो है सही जब जो सवाल उठाया उसका सही जवाब ना देकर सांसद पर ही उल्टे सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जवाब भी दिया, उसे सांसद महोदय संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने दोबारा कुछ फैक्ट जारी किए थे कि कुछ चेयरमैन की नियुक्ति ऐसी हुई है, कुछ खरीद ऐसी हुई है जो आपके संज्ञान में नहीं आई है या बयान में नहीं आई थी। मैं तो रमणीक मान जी से भी कहूंगा और इनसे भी कहूंगा कि इस तरह की जो डिबेट है ऐसा लग रहा है जैसे हम चौपाल में बैठे हैं, इस तरह की डिबेट थोड़ी ना होती है। अगर कोई भी घोटाला हुआ है वो कितनी भी उसका हुआ है, आप FIR दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, एक सांसद ने महोदय ने मामला उठाया है, उसकी जो है पॉजिटिव प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर ये कहना कि वो नशेड़ी है या कुछ और है या कुछ और है, इस तरह की निमंत्रण राजनीति की जो है पराकाष्ठा हो सकती है ये। और मैं ये कहूंगा कि अच्छी अगर कोई बात विपक्ष उठाता है सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए, यही जो है अच्छी राजनीति की पहचान होती है, जिसको शुद्ध राजनीति कह सकते हैं। और अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक दो आदमी को अरेस्ट किया जाना चाहिए था, चाहे घोटाला कितने का ही है, चाहे थोड़ा है ज्यादा है, आप इस डिबेट को इस पर क्यों लेके जा रहे हैं कि वो घोटाला 40 करोड़ का नहीं है, 30 को है, 300 का है, 200 का है? अरे भाई अगर 1 करोड़ का भी है चाहे 20,000 का भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें आप, अगर किसी जो ऐसे आदमी की नियुक्ति आपने की। बहुत छोटा कमेंट कीजिए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले तो इस गर्मा गर्मी में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के बच्चों में और जिसमें हरियाणा के बच्चों ने देश का नाम इतना ऊंचा किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ बजाय इसके कि झगड़े। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो आज आपके ही चैनल पर
एक रमेश कुमार हैं आपके जो पत्रकार, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की और वो कही तो शिक्षा मंत्री के बारे में थे कि उन्हें एक दिन बाद ज्ञान आता है, वही ज्ञान जो है इनके सभी मंत्रियों को आता है, ये एक का नहीं है बात। आप ये देखिए कि जब ये जिस दिन बात हुई घोटाले की, उस दिन क्या हुआ, मंत्री जी ने फौरन कहा घोटाला हुआ नहीं, उसके फौरन बाद कहा मैंने इसके लिए जांच की आवाज़ दे दी है, फिर ये कहा मैंने सस्पेंड कर दिए हैं। आप ये देखिए क्या ज्ञान हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर आप ध्यान से सुने कि दुष्यंत चौटाला ने कहा, उन्होंने कहा मेरे पास 5 जिलों के वो हैं, पांच जिलों में इतना है तो 22 का इतना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 300 करोड़ का हुआ है, उन्होंने वो ये कहते हैं ना आकलन कैसे किया आकलन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की दवा घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर उनकी, और साथ ही दुष्यंत चौटाला की ओर से जो नोटिस भेजा गया है, मंत्री जी की ओर से कहा गया कि विभाग को डिफेम किया जा रहा है सांसद की ओर से, तो वो भी नोटिस भेजेंगे इस जवाब में। तो चर्चा कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ। नरेश जी, क्या लगता है, क्या 40 करोड़ का मान लिया जाना और ये कहना कि घोटाला 300 करोड़ का नहीं है, क्या इससे गंभीरता कम हो जाती है, क्या इससे जवाबदेही मंत्री जी की नहीं रहेगी? ये तो हास्यास्पद बात हो गई ना कि भाई इतना नहीं है जी, इतना है जी। ये तो मतलब खुद ही मतलब एक कन्फेस भी करना है तो घोटाला चाहे 1 रुपए का या जो भी है। और दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ ये जरूर कहनी चाहूँगा, किसी को बुरी नहीं लगे, कि जो हम प्रवक्ता लोग ये बोलते हैं पार्टियों की ओर से, ये इनकी पार्टी का एक इमेज रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। और ऐसा ना लगे कि पार्टी के जो लोग कहते हैं कि नशा फलान किया, कहीं ऐसा ना लगे प्रवक्ता ऐसा लगे कि वो नशा किए हुए हैं। ये जो थोड़ा सा हमें अपनी मर्यादाओं में देखिए, इससे आपका कोई वोट बैंक नहीं बढ़ रहा। कहीं आप इस खुशी में हो कि अगर आप यहाँ पे स्टेज प्ले कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसे प्रवक्ता को हटाया भी जा सकता है। और मैं यहाँ इससे आपके चैनल के माध्यम से ये पार्टियों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि क्योंकि जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, संदेश क्या जाता है, ये सवाल है जरूर। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। जी रखिए। ये जो अनिल विज जी हैं, ये पुराना इतिहास अगर देखा जाए, जो थोड़े दिन पहले भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने इशारा भी किया है कि इनके ऊपर कोई एक वरदहस्त रहा है पहले, तो ये हम लोग पुराने जो विधानसभा में जाते रहे, कवर करते रहे बड़े लंबे अरसे पहले से, तो ये बात एक सर्वविदित थी रही है कि भले ही अनिल विज निर्दलीय रहे हों, भले ही वो किसी पार्टी से रहे हों, लेकिन थोड़ा बहुत सहानुभूति चौटाला साहब की या चौटाला पार्टी की उनकी इनके साथ जरूर रही है, प्रत्यक्ष रही या अप्रत्यक्ष रही। एक बात तो मैं ये कहनी चाहता हूँ कि आज परिस्थितियाँ क्या है और पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या थी। दूसरी बात ये है कि ठीक है, ये घोटाले की छोड़ दीजिए आप, इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो विधानसभा का गठन होने के तुरंत बाद ही गवर्नर को दे दिया था, कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा मेमोरेंडम इतना कुछ दिया। और हालत क्या है, हालत यह है कि मैं पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ कि रोहतक की जो जमीन अधिग्रहण का मामला था वो CBI को जा रहा है, कोर्ट के थ्रू जा रहा है, और सरकार उसको लेकर किसी न्यायाधीश को बिठाती है। तो ये बातें क्या साबित करती हैं पार्टियों के बारे में। अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैच फिक्सिंग है, तो मुझे राजनीति में भी कुछ बहुत सी बातें ऐसी नजर आती हैं जो एक मैच फिक्सिंग की तरह हैं। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज बहुत ही शिष्टाचार और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और इसी तरह से दुष्यंत चौटाला, जिनको लोकसभा से अप्लॉज मिला है, उनको वहाँ पे उनकी सराहना हुई है लोकसभा के अंदर, और उनका जो होमवर्क होता है इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका होमवर्क नंबर 1 होता है। लेकिन अब ये हालात ऐसे हो गए हैं कि दो ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति जो बहुत ही शालीनता के लिए जाने जाते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, और आज ये पोजीशन हुई है कि वो एक दूसरे पे ऐसे ऐसे लांछन लगा रहे हैं। ये जो राजनीति का स्तर है ये कोई बहुत बढ़िया स्तर नहीं है। चाहिए यह कि जैसे मुख्यमंत्री ने अपने एक उड़न दस्ते को हरियाणा सर्विस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में वहाँ भेजा, छापा मरवाया है, क्यों नहीं
इस विभाग का भी पता करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर सही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, शाम तक शाम तो क्या फर्क पड़ेगा? बजट को कैसे समझा जाए कि कितना बजट विभाग देता है और कितनी खरीदारी किस तरह से की जाती है? बजट तीन तरीके का होता है मैडम। एक बजट तो होता है जो सैलरी पे जाता है, एक बजट होता है जो सरकार खरीद के देती है खरीदारी को लेकर, और दूसरा बजट जो होता है जो लोकल खरीदा जाता है। ये तीन तरीके से, यानी क्योंकि इमीडिएट कोई इमरजेंसी आ गई या वहाँ से सरकारी उससे आना जो है उसमें टाइम लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ये मेडिसिन का बजट होता है। तो ये जो बजट की बात की है चौटाला जी ने, वो जो लोकल बजट था उसकी बात की है। अब बात इस बात से अलग है कि भाई वो कितना था, और उन्होंने साफ कहा कि भाई पांच जिलों का इतना है, तो उन्होंने कैलकुलेट थोड़ा सा एग्जेजरेट पॉलिटिक्स चल, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है। वैसे कौशल जी मेरे दोस्त हैं, ये कहते हैं भाई अनिल विज जी ऐसे नहीं, इन्होंने देखा होगा मेरा जो वास्ता पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि वो संयत होकर बोलते हैं। आप ये बताइए, वो अपने प्रदेश में कह रहे हैं कि वो तो नशे वाला इलाका है, तो चार साल से तुम भाड़ झोंक रहे थे भाई, उस नशे को तुमने करेक्ट क्यों नहीं किया? ये शर्म की बात है कि जब एक मंत्री और जिसके पास ही विभाग है, क्योंकि नशा दवाइयों में आता है, और वो ये कहता है कि वो तो नशे का इलाका है, तो आप भी नशा करते हैं, यानी इससे भी बड़ी कि वो उन्होंने दुष्यंत के लिए कहा वो तो नोटिस दे देंगे, लेकिन जनता कहाँ से नोटिस देगी? कल को मुझे लोग कहेंगे कि आपके इलाके में तो पंजाब वाला हाल है, फलाना वो हाल है, दिस इज ए नॉनसेंस एंड आई डिसअप्रूव इट, आई से दैट ही शुड, इस बात की भी माफी मांगनी चाहिए कि उन्हें ये कहना कि सिरसा नशे का है। आई एम असेम्ड ऑफ सच मिनिस्टर। देखिए स्टेट के अंदर ही आता है वो इलाका भी जिसको लेकर कहें कि नशे से प्रभावित है, फिर सरकार उस पर एक्शन लेती कम से कम अब तक। देखिए श्याम शका श्याम जी ने सारी बात करते करते बीच में पंजाब और घुसेड़ दिया कि पंजाब वाला हाल है, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हरियाणा के एक क्षेत्र के विषय में उन्होंने ऐसी बात कही है जिसके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग कहते हैं, निवेदन भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूं सब लोग, तो फिर अब देखिए ये बात तो अनिल विज जी भी कह सकते हैं, ऐसे हर एक चीज को डिस्काउंट मंत्री बैठा जिसका काम है उस नशे को रोकना, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो पहुंचाना है, ये उसका काम है कि उसको रोके। क्या बात कहते हैं आप, कैसे कैसे इसकी बात, कैसी बात कह रहे हैं, ये उसका काम, यानी वो हेल्थ मिनिस्टर होकर नशे की बात करता है कि उस इलाके में, ये शुड बी असेंट के मेरे मेरे उसमें क्या बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, वो सिर्फ बात उल्टी करनी आती है, वो पॉलिटिशियन होंगे, मैंने पॉलिटिक्स की बात नहीं की, मैं इस बात पंजाब को कहां से लिया, मैंने कहा है पंजाब सारे देश में आना चाहता है, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, आप भी अनिल की तरह बोल रहे हैं, क्या मतलब आप बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं कि सिरसा नशे का इलाका है, आप ये बताइए पूरा पंजाब ले लिया, सारे उसमें रिपोर्ट आई हुई है, वहाँ केस चल रहे हैं, है यहाँ आज तक कोई केस नहीं चला अभी तक, बिल्कुल कंफर्टेबल बात की नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बात के बाद कर रहे हैं, कितने केस चल रहे, भोला कितने पकड़ा गया, यहाँ इतना पकड़ा गया जो पूरे इलाके को आपने कह दिया, क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्या लेना पंजाब, आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं पंजाब, आप क्यों बोल रहे हैं, बताइए भोला आप उसी सेंस में, नहीं नहीं गलत है, उसी सेंस में पंजाब का दूसरे सेंस में आपने पंजाब का नाम गलत लिया जस्टिफाई करने के लिए, आप कितने गला फाड़े, अब बहरहाल मैं अपनी बात कहता हूँ, इन्होंने अपनी बात कहते कहते एक बात और कह दी, इन्होंने खुद मान लिया कि हाँ इसमें पॉलिटिक्स है कि इन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर उसके अंदर अनियमितता एक रुपए की हुई हो, 20 रुपए की हुई हो, अब 40 करोड़ के बजट में से कितनी की अनियमितता हुई है, ये तो जांच का विषय, जांच जारी, जांच के आने के बाद जांच करा रहे, अरे यार एक मिनट, कौन सी एजेंसी से जांच करा रहे हो, ये तो बता देना आप, हरियाणा की जनता जानना चाहती है, हरियाणा पुलिस के माध्यम से इसकी जांच हो रही है, अब आप सुनिए सुनिए कहां हो रही है, कौन सी एजेंसी का, अरे पर्चा भी दर्ज है, इसमें एफआईआर दर्ज भी हुई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग चल रही है और एफआईआर अलग दर्ज हुई है, बहरहाल आप इनसे पूछ रहे हो, एफआईआर की कॉपी आपके पास है, 40 करोड़ की कॉपी आपके पास है, 40 करोड़ की सारी पर्चे, 40 करोड़ की सारी पर्चे, सारी की सारी पर्चे आपके पास कॉपी,
आप कह रहे हैं ना, कहाँ है आपके बात, क्या क्या बताओ, मैंने तो कहा ही नहीं, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, पंजाब का सारे सारे अखबारों में सब केस हो रहे हैं, सबके पास केस है, आपकी बात केस नहीं हो रहे हैं सब, आपको नहीं पता केस हो, सारे चैनल बता रहे हैं, आपने पूछा सब, आपने पूछा सवाल ये था, अगर जांच आप लोग करवा रहे हैं, कौन सी एजेंसी जांच करवा रही है ये क्लियर कर दीजिए, एफआईआर अगर करवाई गई है कितनी एफआईआर करवाई गई है ये क्लियर कर दीजिए, ये क्लियर कर दीजिए, पंजाब पर मत जाइए। देखिए ज्योति, मैं आने से पहले जानकारी लेके आया इस विषय की, बताइए इस विषय के बारे में, एक तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है नियमितताओं के संबंध में, और जो चीजें पाई गई हैं जिस तरह से हिसार के अंदर जो हुआ है उसके विषय में एक पर्चा भी दर्ज हुआ, एक एफआईआर दर्ज हुई, ऐसी बात मेरे ज्ञान में आई है शंकर, और वही बात मैं कह रहा हूं। अब ये कहना कि भाई आप इसकी कॉपी लेके आएंगे नहीं, आप क्या लेके आए, आपने किस हजार पे आरोप लगा दिया, तो मेरे भी अरे मैंने आपसे बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मेरा मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा शाम चका जाम जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 300 करोड़ का या 350 करोड़ का 400 करोड़ का क्लेम आप कर रहे हैं, आप क्या लेके आए हैं, आप दिखा दीजिए। डोल साहब जी, देखिए यही तो बड़ी समस्या है ज्योति, हमने सारे एक सारे मामले को जो है सरकार ने एक साजिशन कहूंगा मैं डेविएट कर दिया है, बिल्कुल साजिश है सवाल। मैंने एक बड़ा बेसिक चीज बताई थी आपको, और कि एक रजिस्ट्रार जो दुष्यंत जी ने बताई थी, काउंसिल फॉर फार्मे ये अपना फार्मेसी का रजिस्ट्रार जो है अनिल वी जी के बाकायदा साइन से नियुक्त होता है, और उस व्यक्ति की डिग्री फर्जी है, डिप्लोमा फर्जी है, ऐसे फर्जीवाड़े के ऊपर जो है क्यों नहीं अनिल वी जी के बारे में क्या लेके आए, क्यों मेरे पास में आपका इनका नोट भी है और उनकी डिग्री की जानकारी भी है, दोनों चीजें लाओ यहाँ बैठ करके ले आओ, आप बताओ ना ये क्या, व्हाट इज दिस, आप बताओ ना भाई साहब, आई हैव टोल्ड इट, रविंदर जी आप बात कर रहे हैं, लोकसभा मेंबर हैज बीन एलिजिंग अननेसेसरी एलिगेशन, अरे सर आपके श्रीमान जी ने पूरा जिला नशेड़ी बना दिया, उसको अपन नहीं आप बात करेंगे, यहाँ बैठ के किसने पंजाब के पूरे स्टेट के बारे में कह दिया, किस आधार पे कह दिया, अरे आप अपनी बात कीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपना भाई अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, आप अपने गवर्नमेंट, मेरी सरकार और मेरी पार्टी उस बात से सहमत नहीं है, उन्होंने जो निजी टिप्पणी करी उसका उत्तर वो स्वयं देंगे, आपने उनको नोटिस दिया कि नहीं दिया बताइए आप, बिल्कुल दिया है, ये आपका दिया हुआ नोटिस है ना, कौन सा, ये आपका दिया हुआ नोटिस है, कौन सा, ये मेरा दिया हुआ है, तो उसका उत्तर आ जाएगा आपके पास, नहीं आएगा कार्रवाई कीजिएगा, अरे लोकतंत्र की कॉपी दर्शक समझते आप बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहे हरियाणा बीजेपी की ओर से, बहुत अच्छा संदेश आप नहीं दे रहे, संदेश तो बीजेपी का ही सवाल किया, बीच में बीच में व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, यहाँ पर मेरे से आपको सारा का सारा चिट्ठा चाहिए, सरकार आप चला रहे, चिट्ठा आपको मुझसे चाहिए, आपके पास क्या सबूत है, उत्तर लेंगे, उत्तर दीजिएगा, केवल ढिंगरा साहब अगर कोई सांसद आरोप लगाता है क्या ये अलोकतांत्रिक हो जाता है कि विभाग को डिफेम ही कर दिया गया अगर आरोप लगाए गए इस तरह के, कि उतना बड़ा आंकड़ा नहीं है जितना आप आरोप लगा रहे हैं, मान साहब आपसे सवाल नहीं है सर, रिक्वेस्ट, देखिए देखिए सांसद जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, और एमएलए भी और मंत्री भी जो है उसकी भी जवाबदेही लोगों के साथ है, तो इसको इसको मैंने पहले भी कहा कि आप इसको मैच फिक्सिंग के तरीके से ना बनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है और कौशल साहब ने भी ये बात कही है कि ये एक तरह से मैच फिक्सिंग लग रही है, और इस तरीके से मुझे भी ये फील हो रहा है कि ये मैच फिक्सिंग ना करें आप इस तरीके को, आप इस तरीके आप इस तरीके 300 मत करें, आप उसकी सीधी सीधी से बीजेपी इंक्वायरी करे, स्वतंत्र एजेंसी से इंक्वायरी करे, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप इस चीज को इस तरीके से मत ले कि आप जो है डिबेट का मतलब ना कोई रहे, इस चीज को आप कोई किसी चीज किसी अमाउंट के बीच में या दूसरी उसके जो मुद्दा है, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ये है कि अगर उसके अंदर गड़बड़ हुई है तो आप बीजेपी ये बताए कि उसने कहां एफआईआर दर्ज की है, कौन सी स्वतंत्र एजेंसी को उन्होंने जांच दी है, और एजेंसी कौन सी है, यहां ये एचएसएस के मामले में भी अगर ये पुलिस की एजेंसी को दे रहे हैं तो वो भी एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंसी को जांच देनी चाहिए
क्योंकि जो चेयरमैन है उसके नीचे वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जांच का, क्योंकि उसी उन्हीं के लगाए हुए आदमी है और उन्हीं को ही बचाने की कोशिश हो रही है और पुलिस जो है वो हरियाणा सरकार के अंडर काम कर रही है। तो ये जो है मामला इस तरीके से नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए और ये मैच फिक्सिंग बंद होनी चाहिए। अनिल आर्य जी, अगर सरकार को यह साबित ही करना है कि इतना तो बजट ही नहीं था, फिर सिर्फ कैग ऑडिट करे क्या उससे संभव हो पाएगा? सीबीआई की अगर मांग की जा रही है कि जांच करे तो सरकार दिखे इतनी गंभीर कम से कम। ज्योति जी देखिए, जो कैग है, कैग केवल अपनी रिपोर्ट देता है और वो उसमें बताता है कि ये गलत तरीका अपनाया गया, इससे इतना नुकसान हुआ, इतना इस तरीके से किया जा सकता था, आपका तरीका गलत है, आपकी पॉलिसी गलत है, इस तरह की रिपोर्ट्स कैग देता है। कैग की सारी रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन हर मामला भी सीबीआई को नहीं जा सकता है। कोई भी हरियाणा की ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो ये कह दे कि भाई ठीक है इतना घोटाला हुआ है, और बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं, अगर डिपार्टमेंट से जांच करवा लो, आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी से भी जांच करवा लो, अगर विपक्ष की मांग है सीबीआई के देने की तो सीबीआई से अनुशंसा करने में सरकार को दिक्कत क्या है? हाँ। अगर मामला चाहे कितने भी रुपये का है, लेकिन विपक्ष को सेटिस्फाई करना ही अच्छी राजनीति का परिचायक होता है कि आप जो भी विपक्ष आरोप लगाता है आप उसकी संतुष्टि करें, उसी में जनता की संतुष्टि है। केवल अपने आप को सरकार को जनता ना समझे, सरकार के हमारे को मैंडेट दे दिया है और हम जनता हो गए हैं, इसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, न किसी की बात सुनेंगे, किसी ने पंजाब का नाम ले दिया तो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। अरे पंजाब के नशे के ऊपर तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई यहाँ पंजाब को नशे के लिए जाना जाता है, जो कभी स्पोर्ट्स में जाना जाता था, और आप मानसाहब आंकड़े उठा के देखिए, सन 2000 से पहले के आज हरियाणा कॉमनवेल्थ में छाया हुआ है, वहां कभी पंजाब का नाम होता था, और आज चंडीगढ़ में जो भर्तियां होती है उसमें 90% बच्चे हरियाणा के भर्ती होते हैं। तो ये है, कोई भी अगर जनता को क्लियर कैसे हो कि मंत्री जी सच बोल रहे हैं या फिर सांसद सच बोल रहे हैं, जांच से साफ कर दिया जाए। उपलब्धियां हैं, देखिए बहरहाल ये भी मौजूदा सरकार की उपलब्धियां हैं, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया हम लोगों ने आने के बाद। बहरहाल जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर, हाँ कमाल क्यों नहीं कर दिया, ठीक तो है, आप खुद कह रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं, अरे बता रहा हूँ, सुनो मैं कह रहा हूँ, आप लेकर के आए डोल साहब, ऐसा है विषय केवल ये है, ये इनका कहना कि भी आपके विपक्ष ने कोई बात उठाई उसको सेटिस्फाई करना आपका दायित्व है। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो वहां पे जांच जारी है, अगर आप दौरान जांच के कहेंगे भी नहीं अब तो हम ये 300 अरे एक मिनट यार, अरे तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, अनिल आर्य जी आसमान पाताल, सुनो अरे बीजेपी कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है अनिल आर्य जी आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन आदमी नहीं है, आप आसमान पाताल की बात करते हैं, अरे एक मिनट ये प्रश्न मेरे से था क्या? अच्छा बहरहाल, अच्छा जहां तक विषय है इस बात का, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये 30 करोड़ 400 करोड़ आपने कैसे बना दिया और क्या इसके पीछे कोरी राजनीति है या नहीं? एक जांच जारी है, उस जांच के दौरान बिल्कुल नहीं आपने 30 करोड़ 400 करोड़ कैसे बनाया? एक घोटाला हो सकता है, शुरुआत ज्योति उसी सवाल पर, फिर से ज्योति दो बातें, पहला जहां तक विज साहब की निजी टिप्पणी का सवाल है उसका उत्तर वो स्वयं देंगे, ना पार्टी ना सरकार, अरे नहीं सहमति उनके पास क्या जानकारी है, अरे भैया उनके पास क्या जानकारी है, मैं क्या जानता हूँ भाई, मैं मेरी सहमति मेरी माफी उसका कोई सेंस नहीं है भाई। दूसरी बात, दोनों पार्टियां कांग्रेस की और उनकी ऐसा है, जब पूरा मुख्यमंत्री मैं अपनी बात कहने लगा, मेरे को बीच में दोनों ने पकड़ लिया, प्लीज सुनिए, देखिए मैं आपको बहुत समय दिया सर, दोनों विपक्षी दलों की, ये दोनों विपक्षी दलों की आपस में लड़ाई है कि सत्तारूढ़ दल को भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कैसे, हम ऐसी डिबेट में नहीं आएंगे, अगर ऐसा तरीका है यहाँ बोलने का, ऐसा तरीका है मुझे म्यूट करवाना होगा, शर्म आती है ऐसी डिबेट में, बार बार आपको रोका जाए, मैं यहाँ पे आज
मैं आज यहाँ पे एक सांकेतिक तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वयं प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने, एमएलए ने और उनके पार्टी वर्करों ने अनशन रखा है। किस बात का? कि लोकतंत्र खतरे में है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं कोई देता। और अब अगर यहाँ ऐसी डिबेट देखी जाए यहाँ पे और उन प्रतिनिधियों को देखा जाए तो शर्म आती है कि ऐसा जो अनशन उन्होंने रखा है, धन्य है उनके ऐसे वर्कर या ऐसे प्रवक्ता। नंबर एक। नंबर दो, मेरा सीधा स्पष्ट एक प्रश्न है मान साहब से। उन्होंने क्योंकि पंजाब के नाम पे, वो बहुत अच्छी बात है, उनकी भावनाएं हैं पंजाब के प्रति, उन्होंने एतराज़ किया है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मंत्री ने कहा सिरसा नशे के लिए जाना जाता है, आपका उसके बारे में क्या कहना है, सिरसा के बारे में, और आपकी पार्टी का क्या कहना है, उसकी निंदा आप करते हैं? पूछा, मेरा उत्तर लीजिए। गलत कहा। आप निंदा करते हैं उसकी? हाँ बिल्कुल गलत कहा। तो उस पर कोई एक्शन, उसपे मेरा एक्शन क्या बनता है बताइए? कोई मुख्यमंत्री, कोई आप बताइए, मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मेरा क्या एक्शन बनता है? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि निजी टिप्पणी तो पहले नहीं करनी चाहिए, अगर करिए उसका तो स्वयं लेंगे। इनके तो सहमति से प्रवक्ता किस बात के हुए? बात यह है कि जब मैं अपने मरीज से बात करता हूं तो मैं एक डॉक्टर होता हूं, कोई निजी बात नहीं होती। जब एक मंत्री बात करता है जो चुना हुआ है, या तो वो पहले एफिडेविट दे या उसको कहे कि मैं निजी बात कर रहा हूँ, वरना वो उस मंत्री की बात है, उस पार्टी की बात है। और ये बड़ी शर्म की बात, हर बात को ये ले देते हैं कि निजी बात है। क्या उसने ये फोन पे कहा कि मैं आप अपनी निजी बात कर रहा हूँ, मैं एज मंत्री नहीं बोल रहा हूँ? उसके पास कौन जाएगा वैसे ये बयान लेने के लिए? ये बयान बिल्कुल गलत बात है। जब एक आदमी चुना जाता है, वो 5 साल के लिए मंत्री है, तो मंत्री की तरह बात कर रहा है, बिना मंत्री के वो नहीं, उसी तथ्य पे। एक मिनट चुप रहिए। उसी वक्त वो ये कह रहा है ये 40 करोड़ का है, वो भी गलत है। आप क्यों नहीं कहते? आप कहिए ना शाम से, शाम जी, क्या वो 30 करोड़ का 400 करोड़ बताए? वो भी गलत है। ये एंकर कौन है यहाँ पर? हर एक की बात, जो भी आदमी बोलता है, जो भी आदमी बोलता है उसी के बीच में बोलना शुरू हो जाएंगे, तो एंकर कौन है? अरे इससे क्या आप वोटें बढ़ा रहे हैं अपनी? अरे वोट का क्यों ऐसे वोट बढ़ा रहे हैं? अरे टीवी चर्चा में बने रहने के लिए तो चर्चा ये की कि नोटिस भेजा गया, उसके बदले में भी नोटिस भेजा जाएगा। ये बात निजी टिप्पणी कर रहे हैं।